সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী 3 মাসের মধ্যেই মালদা টাউন স্টেশন থেকে সাপ্তাহিক রাজধানী এক্সপ্রেসের পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে। বৃহস্পতিবার রাতে মালদা রেলওয়ে ডিভিশনের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে এমন আশার বাণী শুনালেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা। আসিমগঞ্জ से लेके মালদা টাউন तक एक हमारा जीएम का एनुअल इंस्पेक्शन होता है, तो वो था जिसमें असीमगंज एक्सक्लूडेड था, उसके अगले वाले स्टेशन से शुरू हुआ। और जगह जगह पे हम जहाँ जहाँ पे डिफरेंट स्टेशन पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको एक जीएम के साथ प्रिंसिपल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ डीआरएम के साथ और ब्रांच ऑफिसर्स के साथ देखना होता है, वो सब जगह गए। साथ में हम अपने ट्रैक की राइट देखी, ब्रिजेस की हेल्थ देखी, स्टेशन के ऊपर पैसेंजर एमिनिटीज़ देखी, जो डेवलपमेंटल वर्क्स चल रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, जो इस मालदा डिवीजन ने अच्छे काम किए हैं उनको देखा। মালদা ডিভিশনের রেল লাইন, স্টেশনের পরিকাঠামো, যাত্রী নিরাপত্তা যথেষ্ট উন্নত হবে বলে জানান তিনি। তার সঙ্গে এদিন রেল পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন মালদা রেলওয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজার যতীন্দ্র কুমার, সিনিয়র ডিসিএম পবন কুমার সহ প্রমুখ। আগে আনে वाले समय में और ज्यादा हम अपने कस्टमर्स को, चाहे वो फ्रेट साइड से हो चाहे पैसेंजर साइड से हो, उनको और ज्यादा सुविधाएं देंगे, स्टेशंस को और इंप्रूव करेंगे। Our stations will shine. आपको बहुत खुशी होगी कि सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रयास से, हमारी टीम के प्रयास से अब मालदा को वीकली वन डे अगरतला वाली राजधानी मालदा से जाया करेगी और अगले 3-1 महीने और लगेंगे, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। बिकॉज डिसीजन ले लिया गया है परंतु जो टिकट ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं तो वो सारे पैसेंजर्स की टिकट जो है वो उनको ना कोई इनकन्वीनियंस हो। अब आगे की बुकिंग बंद कर दी गई है उस 3 महीने के बाद से, और अब देखेंगे आपकी 3-4 महीने में गाड़ी चल जाएगी। सर उनकी जो कंप्लेंट है वो बार बार ये है कि वो मिलता नहीं है चाबी। किचन गैलरी, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मॉड्यूलर किचन, एक्वेरियम, फिश एंड पेट्स, ग्लास कॉर्नर, MG रोड, जयगांव।